बहुत ही शानदार बन चुका है। और आप पहले पहले रमज़ान में बनाइए, खाइए और खिलाइए रोज़ेदार को, एंजॉय करिए। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक से या सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी ये बन चुका है और ये आप इसे अफ्तारी में खा सकते हो। हाँ, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पिज़्ज़ा पफ। उसके लिए मैंने 100 ग्राम चिकन लिया हुआ और इतने छोटे छोटे से मैंने बोनलेस लिया, मैंने इतने छोटे छोटे से पीसेस कट कर लिए। अब इसमें हम कुछ मैरिनेशन करते हैं। एक चम्मच नींबू का जूस, कुटी हुई लाल मिर्ची, एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे थोड़ा सा मैं सोया सॉस डालूंगी फ्लेवर चेंज करने के लिए, इससे बहुत अच्छा आता है। और उतना ही थोड़ा सा मैं रेड चिली सॉस ऐड करूंगी। यहाँ पे नमक डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करके, खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करके मैं इसे 10 से 20 मिनट तक मैरिनेशन होने के लिए रख देती हूँ। मैरिनेशन जितना होगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसे मैं मैरिनेशन के लिए रख देती हूँ। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पिज़्ज़ा पफ का कीमा मैरिनेशन हो गया है। हमने एक पैन में 2 चम्मच ऑयल लिया है और इसमें हम मैरिनेशन किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। इसमें मैंने छोटा छोटा सा मैंने बोटी बनाया, ऐसे अच्छे से हम चलाते रहेंगे। अब इसे मैंने ढक दिया है 5 मिनट ढकते, ताकि ये थोड़ा गल जाए। ये देखिए 5 मिनट हो गए, अच्छे से ये पानी इसका सूख गया है और ये हमारा चिकन गल भी गया। तो अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 छोटा साइज का प्याज चॉप किया हुआ, 1 छोटे साइज का शिमला मिर्ची, 1 छोटे साइज का टमाटर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हम इसमें मिक्स करेंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा दिख रहा है हमारा। ब्रेड पिज़्ज़ा पफ का स्टफिंग तैयार हो रहा है। आप भी पहले इफ्तारी में ये बनाइए इस तरीके से। और यहाँ पे मैं मिक्स हर्ब डालूंगी 1 चम्मच और पिज़्ज़ा पफ है तो पिज़्ज़ा सॉस डालूंगी 1 चम्मच। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। ये अच्छे से हमारा मोटा मोटा दरदरा कीमा भी तैयार हो गया है। सब्जी का क्रंच हम रहने देंगे। देखिए बहुत मज़ेदार से दिख रही है ये। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं थोड़ा हरा धनिया भी डालूंगी। ये मोटा मोटा सा कीमा बन गया है क्योंकि मैंने बहुत छोटे छोटे से स्लाइस काटे थे। स्टफिंग मेरा बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड पे रख देते हैं। ये मैंने ब्रेड क्रम लिया, इसमें नमक डाला है और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। देख सकते हो आप। अब इसे साइड में रख के मैंने यहाँ पे एक अंडा लिया है और थोड़ा नमक लिया है और इसे अच्छे से
बीट कर लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा दूध डालूंगी, देख सकते हो, और इसे अच्छे से बीट करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे 6 स्लाइस लिए हैं, ब्रेड को ऐसे सब काट लिया है किनारे से। अब यहाँ पे स्टफिंग हम भरेंगे। इस पे हम मोज़रेला चीज डाइस किया हुआ डाल रहे हैं। तीन ही हमें बनाना है, तीन बना के मैं दिखा रही हूँ। पहले आप तारी पे ये ज़रूर बनाएं, बहुत मज़ेदार सा बनता है। इसमें भी भर के मैं चीज़ डालूँगी। चिपकाने के लिए हमने मैदे का ये बनाया हुआ कि चिपक जाए अच्छे से, घोल करके लगा लेंगे। दूसरे वाले पे भी हम अच्छे से लगा लेंगे कि चिपक जाए अच्छे से। और इसे अच्छे से दबा दीजिए। ये हमारा चिपक गया है, देखिए हमने अच्छे से चिपका लिया है, ये हमारा तैयार है। अब यहाँ पे अंडे के गोल में इसे अच्छे से हम डुबाएंगे, देख सकते हैं, और फिर हम ये ब्रेड क्रम में डालेंगे, अच्छे से इसे कोट कर लेंगे चारों तरफ से कि खुले नहीं, देख सकते हो आप, अच्छे से दबा दबा के। हमने इसे कोट कर लिया है, अच्छे से इसे कोट कर लिया है। आप चाहें तो इसे फ्रीज भी करके रख सकते हो, फ्रोजन 2 से 3 दिन आराम से रख सकते हो, और जब मर्जी करे फ्राई करके खा सकते हैं। फ्राई करने जा रहे हैं, मैंने एक पैन लिया है, इसमें ऑयल ले लिया है, और बहुत अच्छे से मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब हम ब्रेड पिज्ज़ा पफ एक एक करके इसमें डालेंगे। देख सकते हो, अभी इसको पकने देते साइड से, फिर मैं फ्लेम को स्लो कर देती हूँ। देख सकते हो मैंने टर्न कर चुकी हूँ इसको। ऑयल पहले बहुत अच्छे से गरम करना है, नहीं तो वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा। वन साइड का हो जाएगा तो स्लो कर देते। क्रिस्पी होने तक हम फ्राई करेंगे, देख सकते हो आप कलर आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए ब्रेड पिज़्ज़ा पफ बन चुका है, रेडी हो गया है, और मैंने बहुत क्रिस्पी सब फ्राई किया हुआ है। आप भी बनाइए रमज़ान में, अच्छी खुशबू आ रही है, और खाए खिलाइए, देखिए चीज़ कैसे निकल रही है। अच्छा बना है, बहुत अच्छा है। देख सकते हो आप, बहुत ही लजीज और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही खूबसूरत भी दिख रहा है। आप देख सकते हो कितना अच्छा क्रिस्पी और बहुत ही शानदार बन चुका है।
और आप पहले रमज़ान में बनाइए, खाइए और खिलाइए रोज़ेदार को, एंजॉय करिए। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी ये बन चुका है, और ये आप इसे अफ्तारी में खा सकते हो, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और आप लोग भी इसे बनाएं अपने घर में, अफ्तारी में खाइए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको इसी तरह की वीडियो मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।